नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। कुश्ती एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता के केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। इसमें प्रतिद्वंद्वी को बिना अंग भंग किए या पीड़ा पहुंचाए परास्त किया जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में मल्ल क्रीड़ा के रूप में मिलता है। आधुनिक काल में देशी रजवाड़ों ने कुश्ती कला को संरक्षण प्रदान किया। जनपद के पड़ोसी राज्य बिहार के चौसा अंतर्गत ग्राम पंचायत जलीलपुर सोनपा में होने वाली ऐतिहासिक विराट कुश्ती प्रतियोगिता बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ। वहीं दंगल कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अखाड़े में कुश्ती दंगल खेल का उद्देश्य युवाओं को सेहतमंद बनाने के साथ ही अखाड़ों के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। अखाड़े के इस प्रयास से युवा न सिर्फ आत्मरक्षा में आत्मनिर्भर होंगे बल्कि देश का नाम रोशन करने में भी सक्षम हो सकेंगे। दंगल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि सदर विधायक बक्सर संजय तिवारी मुन्ना ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन होने से प्रतिभाओं में निखार आता है और ग्रामीण क्षेत्र के पहलवानों को सीखने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। कुश्ती दंगल का उद्घाटन होने के बाद पहलवान भी अखाड़े में अपना दांव पेच दिखाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। समिति अध्यक्ष जलीलपुर महिलाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आगे हमारे गांव के अच्छे अच्छे पहलवान पैदा हुए, जैसे मैं पहलवान हमारे चाचा के खास लड़के हैं बिहार के शुरू में आनंद पहलवान, मुन्ना पहलवान और तमाम हमारे ही गांव के अच्छे अच्छे पहलवान बने हैं और आगे जाके मैं भविष्य में ही करूंगा कि अच्छे से अच्छा नाम कमाए। मैं यहाँ को ही संदेश देना चाहूंगा। आज आप तो देख रहे हैं कि कुश्ती दूर हो रही है, लेकिन सुनपा के लोगों ने कुश्ती को बनाए रखे हैं अभी और कमेटी की तरफ से भी उसी तरह इन दोनों पहलवानों पे 5,000 रूपए की नगद में कुश्ती हो रही है और 500 रूपया इसको जीवन सिंह मास्टर कटेला की तरफ के लिए सिंह डेयरी मुखिया की तरफ से 250 रूपए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं।